गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपके माता पिता अच्छे होंगे, आपके पूरे परिवार अच्छे होंगे, और मैं आपके माता पिता के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए ईश्वर से लंबी उम्र की कामना करता हूं। बस एक दिन के बाद छठ पर्व आने वाला है। छठी मैया आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और हमेशा स्वस्थ रखे। दोस्तों, सुबह का समय है और हम चलते हैं मॉर्निंग वॉक की तरफ। दोस्तों, इस वक्त हम मॉर्निंग वॉकिंग के लिए दरभंगा के कर्पूरी ठाकुर चौक के DMCS के कैंपस में आ गए हैं और मॉर्निंग वॉक करने वालों की चहलकदमी शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, सब मॉर्निंग वॉक के लिए आई है। दोस्तों, ये पहले मैदान था, यहाँ पर लड़का सब आते थे क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन इस समय यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पीछे का नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये पहाड़ नुमा जैसा दिखता होगा मिट्टी, ये मिट्टीकरण हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एम्स बनने वाला है, दरभंगा एम्स। और ये दरभंगा एम्स अगर जब बन जाएगा तो खास करके हमारे मिथिलांचल वासियों के लिए, हमारे बिहार के तमाम लोगों के लिए और देश के अन्य लोगों के लिए भी यहाँ फायदा होगा। दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग में हम आपको एक और इम्पोर्टेंट बात दिखाने वाले हैं। हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो हैं कर्पूरी ठाकुर साहब, उनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप दृश्य जो देख रहे हैं, ये माननीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी का स्मारक है और इनका इतिहास तो आप सबको मालूम ही है। ये बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गाँव पितौंझिया में इनका जन्म हुआ था। हालाँकि इनके गाँव का नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है। इनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था और इनके माता का नाम राम दुलारी देवी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर था, क्योंकि हम लोग इनके बारे में बचपन में ही पढ़े हुए थे। ये हमारे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने कई बार जेल में भी रहे हैं। तो इनके इतिहास को तो भुलाया नहीं जा सकता है, कभी नहीं भुलाया जा सकता इनके इतिहास को। तो अपने जीवन में इतना कष्ट देखा इन्होंने, इसका कोई जवाब नहीं। इनका मृत्यु सन 1988 में 64 साल की उम्र में हो गया था और इनकी लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक भी कहा जाता है। दोस्तों, फाइनली हम मॉर्निंग वॉकिंग करके आ चुके हैं। आज की इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मैं फिर से एक बार छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप अपने जीवन में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें। तब तक के लिए जय हिंद।